चिकित्सकों चिकित्सा सेवा में हमेशा तल्लीन रहता हूँ, हमेशा चिकित्सा कार्य करता रहता हूँ। साथ ही साथ एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर है, चार पांच अपने हॉस्पिटल हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, ये चलते हैं, दिनेश जी ने बताया होगा। और ये जो भी चीजें हमने हासिल की, ये एक महत्वाकांक्षा के साथ हुआ। जीवन में जिसने भी महत्वाकांक्षा रखी है और उसके लिए लगातार अपने प्रयासों में लगा रहा है, वो निश्चित रूप से अपने सफलता को चाहे वो हासिल किया है। सबसे पहले मैं मात्र 2 साल पुरानी कंपनी आपकी कोरेस का है, जिसके क्वार्टरली अचीवमेंट के लिए आप सम्मानित होने आए हैं और शामिल होने आए हुए हैं, सही होने आए हुए हैं। वाकई इस कंपनी के मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। और ये तारीफ का काबिल बनाने वाले जो लीडर्स हैं उसके बारे में निश्चित रूप से अभी मैं देख रहा था, दिनेश जी से पूछा भाई कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ, नेट खोला हमने मधुकर मिश्रा जी का और राकेश जी का नाम है, और साथ में आपके प्रदीप जी मिल गए नीचे जो कि शायद कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, और दिनेश जी प्रदीप सर प्रेसिडेंट हैं, दिलीप सर और तीन लोग प्रेसिडेंट हैं, दो लोग प्रेसिडेंट हैं। एनीवे कंपनी का स्ट्रक्चर में जो भी प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो निश्चित रूप से कंपनी की जो लीडरशिप है बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा आपका अचीवमेंट चल रहा है, और आने वाले समय में आप निश्चित रूप से देश के एक मानी जानी कंपनी के रूप में प्रतिष्ठापित होंगे। मैं कंपनी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कंपनी वो ग्रो करती है या संस्था वो ग्रो करती है जहाँ आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बेहतर प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, नए नए जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं साथ में इंकॉर्पोरेट करते रहेंगे, तो पब्लिक का जो एक डिमांड है आज के समय में, अब जैसे कि बात हो रहा था केमिकल प्रोडक्ट सर्व करके हर्बल प्रोडक्ट पर ज़्यादा रुझान हो रहा है, ज़्यादा लोगों का इंप्लीमेशन हो रहा है जिसका साइड इफेक्ट्स कम है, तो आने वाला समय आप ही जैसे कंपनियों का है। इस कंपनी में नए नए आप क्वालिटी प्रोडक्ट लाइए, आरएनडी अच्छा से डेवलप करिए, आरएनडी का मतलब और प्रोडक्ट के कंटेंट्स ये बड़े मायने रखते हैं। आजकल हर आदमी इंटरनेट पर आपके प्रोडक्ट को देखता है, उसकी क्वालिटी को देखता है, क्वांटिटी को देखता है, कंस्टिट्यूशन को देखता है, इस पर हम फोकस करेंगे हमेशा ताकि हम नए प्रोडक्ट अच्छे अच्छे क्वालिटी के लाएं जिसका पब्लिक में जब हमारे जो कर्ता लोग हैं, जो टीम है हमारी, जो मैनेजर्स की या फील्ड एग्जीक्यूटिव्स की, वो जब अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताकर ही अपने मार्केट को इस्टेब्लिश करते हैं, ये हमारा एक प्राइमरी एम होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी गुणवत्ता को बनाए रखना और नए प्रोडक्ट्स लाना और उसको इस्टेब्लिश करना। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का वैरायटी नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है। आजकल मैं देखता हूँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ जितनी आई मैकडोनल्ड्स से लेकर के और तमाम जो फूड प्रोडक्ट्स की कंपनियाँ हैं या फार्मास्यूटिकल की भी हैं, वो प्रोडक्ट्स थोड़ा लिमिटेड रखती हैं और उसी में गुणवत्ता लाती रहती है, और कम प्रोडक्ट जब आपके दिमाग पब्लिक के जहन में घुस जाता है कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसका रेगुलर कंजम्पशन होता रहता है और उसका इतना ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो जाता है कि 4, 5, 6, 10 प्रोडक्ट में ही कंपनी का बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है। यही हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए कंपनी के संचालन में। और उसी प्रकार आप अपने प्रोडक्ट को फील्ड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों का काम है, फील्ड एग्जीक्यूटिव का काम है, मार्केट के जो मार्केट मार्केटिंग पीपल है उनका काम है अपने प्रोडक्ट को सही ढंग से अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करना और उसकी गुणवत्ता को बताना। दो चीज़ें होती है, तो अभी अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही ढंग से बता रहे हैं, गुणवत्ता थोड़ी कम भी है लेकिन ठीक से कन्विंस कर लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, तो आपका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका अपना व्यक्तिगत रूटीन इतना बढ़िया हो, इतना नॉलेज आप गेन करें कि आप अपनी बातों को सही ढंग से बता सकें। उसके लिए बार बार मैं रॉबिन शर्मा के एक फॉर्मूला पर बात करता हूँ, बैटरी आवर की बात करता हूँ। आपका मॉर्निंग रूटीन इतना बढ़िया हो जिससे कि आप सारी चीज़ों को आप अपने जहन में उतार करके चीज़ों को ठीक से प्रेजेंट कर सकें। मैं अक्सर सुनता हूँ कि 5 बजे कभी कभी बात होती है, दिनेश बोलते हैं 5 बजे हमारा मीटिंग ऑन हो जाता है, 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी
5:30 ये बहुत आपका एकदम मीटिंग विक्ट्री आवर में एकदम बिल्कुल मीटिंग करते हैं, और उस विक्ट्री आवर में आने के पहले आपका रूटीन में 2-3 चीजें आ जानी चाहिए। 20 मिनट का 1 घंटे का फॉर्मूला हम बताते हैं कि सुबह में 1 घंटा आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर 4:30 में जग जाते हैं या 5 बजे जग जाते हैं, 5:30 बजे जग जाते हैं, तो 1 घंटा का रूटीन आपका बहुत अच्छा रूटीन होना चाहिए। उस रूटीन के बारे में पानी थोड़ा से 1 घंटा में 20-20 मिनट के में बांटिए। फर्स्ट 20 मिनट में हम रेगुलर एक्सरसाइज की बात करते हैं। आजकल देखिए बीमारियां दो ही तरह से भगा सकते हैं, एक अपने स्ट्रेस को कम करके, दूसरा एक्सरसाइज करके, और तीसरा एक न्यूट्रिशन बढ़िया बन करके। तो एक्सरसाइज सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट हो जाता है इसमें तीनों में, और एक्सरसाइज 20 मिनट का मिक्स टाइप का एक्सरसाइज होना चाहिए आपका। योगा ही केवल नहीं होना चाहिए, ब्रिस्क वॉक, मॉर्निंग वॉक, रनिंग और योगिक प्रैक्टिस, ये उसके बाद कुछ रूटीन जाते हैं, एरोबिक एनारोबिक, तरह तरह के एक्सरसाइज आप लिस्ट बना लीजिए अपने साथ, और कोई एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, जो आपके लाइकिंग हो, बोरिंग नहीं होना चाहिए। आप एक्सरसाइज 20 मिनट रिग्रेस करिए, उससे निश्चित रूप से आपका कुछ आवाज में इक्वा रहेगा, ठीक है। तो 20 मिनट का एकदम रिग्रेस एक्सरसाइज करिए, इसमें ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाती है, तरह तरह के एंडोर्फिन, फिर से सेरोटोनिन, तरह तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो बॉडी की एक्टिविटी को, अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाता है, आप अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा काम करने की क्षमता हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा है, ये एक्सरसाइज का मिलता है, और एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, एज इसका कोई एज लिमिट नहीं है, आप जिस एज में भी हैं आप स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करिए। फिर उसका ईटिंग हैबिट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप फूड प्रोडक्ट्स क्या खाने चाहिए, लगभग आप लोगों को पता है प्लांट प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा खाइए, एनिमल प्रोडक्ट को अवॉइड करिए। प्लांट प्रोडक्ट में आप समझ रहे हैं सारी चीजें, जितना वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अंकुरित अनाज है, इस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा आना चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट में एग्स हम लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन लोग आजकल मांसाहारी भोजन ज्यादा करते हैं, जिसका थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कई तरह की बीमारियों से आपको बचाते हैं, और ये लाइफ फूड होते हैं, जीवन खाद्य सामग्री, तो जीवन खाद्य सामग्री का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली हम खाना को लोग कहते हैं कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट्स करना चाहिए, कई बार खाना खाना चाहिए, और खाने के कंपोनेंट को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक होता है एनर्जी गेनिंग, एक होता है बॉडी बिल्डिंग, एक होता है हेल्थ प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन में जितना मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये सब हम लोग करते हैं, उसमें आपका अंकुरित अनाज आ जाएगा, और इसमें विटामिन मिनरल्स की मात्रा होती है, बाकी जो हमारे 4 स्क्वायर के प्रोडक्ट हैं उसको साथ में रिकमेंड करिए, विटामिन बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट होंगे इस तरह का। तो पब्लिक भी थोड़ा आपको ये नॉलेज रहेगा ना कि खाने का सामान क्या खाना चाहिए, इसको बताएं तो पब्लिक अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ता है, और उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट फूड मटेरियल से अकेले नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो एक होता है ये आपका हेल्थ प्रोटेक्शन वाले फूड्स हैं, एक एनर्जी गेमिंग चावल दाल सभी समझ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में आपका प्रोटीन कंटेंट वाला ज़्यादा हो गया, जो एनिमल प्रोडक्ट होता है या प्लांट होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में आपका अंडा मिट्री वगैरह हो गया, और प्लांट प्रोडक्ट में आपके जितने प्रकार के लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम प्रोडक्ट दालें तरह तरह की होती हैं, और दाल के अलावा प्रोटीन आपका और भी जो जो एनिमल प्लांट प्रोडक्ट में ज़्यादा दालों में ही प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्लस मिल्क भी हम एनिमल में ही मानते हैं, इसलिए दालों को ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका हेल्थ प्रोटेक्शन, एनर्जी गेनिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। तो ये तीनों की मात्रा लगभग बराबर लीजिए, सुबह 20 मिनट की एक्सरसाइज मैंने बताया, दूसरा बताया था 20 मिनट आप अपने काम को लिखिए, क्या आपको करना है, थॉट दीजिए, स्क्रिप्टिंग करते हैं इसको, स्क्रिबल करके नोट पैड लीजिए 20 मिनट अपने एम्स, एम्बिशंस, विजन, मिशन, सारी चीज़ों पर लिखिए, हमें आज दिन भर में करना क्या है, उसको रिटेन डाउन होना चाहिए आपके पास। तो 20 मिनट आपने एक्सरसाइज किया, 20 मिनट अपने मिशन विजन को आपने लिखा, अगले 20 मिनट में आपने स्टडी की, आप अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आप इफेक्टिवली इसको पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये आपका 1 घंटा का सुबह का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी वजह से जीवन में आप सफलता हासिल करेंगे।
अगला हम बताते हैं कि स्लीप एंड इसका रेस्ट का जो रेशियो होता है, रेस्ट और एक्टिविटी का रेशियो, उसको मेंटेन करिए। आजकल क्या होता है, लगातार आदमी 12 बजे 2 बजे रात तक काम कर रहा है और सुबह में फिर टाइम से उठते नहीं, आपका रूटीन खराब हो जाता है। और जैसे कि सभी जानते हो मेलाटोनिन का नाम, कितने लोग जानते हैं इसमें मेलाटोनिन का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। मेलाटोनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है बॉडी का जिसकी वजह से हमें नींद आती है, जिसके वजह से बॉडी में रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसका हाईएस्ट लेवल 11 बजे तक आ जाता है। अगर 11 बजे अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं, आप सो जाते हैं, सोशल मीडिया से हट जाते हैं, और जैसा कि सभी लोग कहते हैं ब्लू लाइट इमिट करती है जितना हमारी गैजेट्स हैं, अगर ये हट जाती हैं तो निश्चित रूप से आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आपका बॉडी के रिपेयर प्रोसेस अच्छा होगा, समय से आप उठेंगे, आपका डिजन जो बॉडी में चेरियट जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो सभी कम हो जाएगा, तो आप लंबा जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, बीमार मुक्त जीवन जिएंगे। तो स्लीप और रेस्ट और एक्टिविटी का रेशियो आप मेंटेन करिए। दूसरा ये बताया, तीसरा ही पैटर्न में ये बताता हूँ हमेशा कि आपके बॉडी का ना इंटीरियर इंपायर्स जितने हैं, जैसे आपका ब्रेन हेल्थ हो गया, हार्ट हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, और इमोशनल हेल्थ, सोल हेल्थ हो गया, जो तो इसमें इमोशंस से मेरा मतलब है कि आपस पीयर ग्रुप में अच्छा रिलेशन रखिए, हमेशा घर में अपने भाई बहन में, माँ पिता से, पड़ोसियों से, सोसाइटी में अच्छा संबंध रखते हैं, तो हमेशा आपका जो सोच की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, किसी भी तरह का तनाव का जो आपके जीवन में आगमन होता है, वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से आपका व्यवसाय भी बढ़ता है, आप निश्चित रूप से आप अपने को भी और रीच पाते हैं, और फालतू की चीजों में न सोच करके अपने फोकस के साथ साथ आपका इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ, पूजा पाठ, ये सब चीजें जीवन में पर प्रतिदिन आपकी चीजें निकलती जा रही हैं। आज हम कोई सोचे कहीं मंदिर में एक महीने बाद जाकर दर्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन आपको भगवान से भी जुड़े रहना है, पूजा पाठ भी करना है, आपको सबसे अच्छा रिलेशन भी रखना है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रखना है और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रखना है। तो अपने हेल्थ, अपने आप को जब स्वस्थ रखेंगे तो आप अपने काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, और इसको एक हैबिट में कन्वर्ट कर दीजिए। होता क्या, 2 दिन हम काम करते हैं, 4 दिन भी नीचे भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको इसको अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल में ला देना है। हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, ये सारी चीजों का इनकॉर्पोरेशन होगा, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी ग्रो करेंगे, फैमिली के लेवल पर भी ग्रो करेंगे, आप प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे। इस इन चीजों को मैं एक छोटा सा मेरा संदेश था आपको देना, और मैं चाहूंगा कि इस तरह आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जब विकास होगा तो कंपनी का भी बड़े पैमाने पर विकास होगा। तो मैं बहुत सारी हमें बड़ा गर्व होता है कि दिनेश हमारे साथ ये बताते हैं 2007 में आए मेरे पास, और 2007 के बाद ये कब नित्य नई ऊंचाई हासिल करते हुए जिस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात क्या है कि कोई व्यक्ति जब सम्मान देने वाले से, सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये उसमें एक प्रकरण है, यहाँ पे महाभारत में एक प्रकरण है कि सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला सबसे ज्यादा महान होता है। हम दिनेश को इसी कैटेगरी में रखते हैं, और ये ट्रू लीडरशिप इनके में है। किसी को भी कभी भी जोड़ना, मोटिवेट करना, कहीं भी जगह नई जगह जाके अपनी पहचान बना लेना और वहां पर अपने को स्थापित कर लेना, यही चीज गुणवत्ता है। यही चीज आप लोग इनके लीडरशिप में पाएंगे। और प्रदीप जी इनके सीनियर हैं, और राकेश जी और मधुकर जी भी आए हैं यहाँ पर। अच्छा दिलीप जी, चलिए आप लोग बहुत अच्छा आप लोग का कंपनी है और बहुत अच्छा लीडरशिप है और अच्छे अच्छे लोग आपके साथ हैं। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही समृद्धि लेकर आए, आशीर्वाद है।